आप अपने घर वालों को अक्सर वृंदावन ले जाते हैं, तो आपके घर वालों ने कभी कहा नहीं बेटा हमारा तो मसूरी का प्लान था तू वृंदावन लेके जा रहा है? मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जा रहे हो। अच्छा, और मेरे पिताजी मुझे वृंदावन लेकर के जाते हैं। स्कूल में टीचर के लिए हर बच्चा एक बराबर है जी। स्कूल में कोई मुझे महाराज जी, गुरु जी, प्रभु जी नहीं बोलता, स्कूल में सब मुझे अभिनव कह करके ही पुकारते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गा रहे हैं, और आप कृष्ण के भजन गा रहे हैं। उनको कहने दो कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहे, पर मैं तो सदैव कहता हूँ कि कृष्ण की भक्ति कहीं भूल नहीं जाना रहे। राधा रानी की कृपा प्राप्त कीजिए ना, मैं से मेरे से क्या होगा, राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा अभिनव, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने पापा से पैसे मांगे हो और उन्होंने मना कर दिया हो? तो आप कृष्ण भक्त हैं, आपने उनको गीता का ज्ञान दिया हो कि पिताजी क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कल किसी और का था वो आज आपका है, जो आज आपका है वो कल मेरा होगा, तो फिर उन्होंने गीता का ज्ञान सुन के 500 की जगह आपको 2000 रुपए दिए? तिंदा थोड़ी किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है। और ये तो और सच बताऊं तो ये मुझे भी पसंद नहीं है। वृंदावन की एक कुटिया में रहकर राधा नाम का जाप करूंगा, पूरा दिन यमुना जी का जल पाकर अपना गुजारा करूंगा। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माँ ही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मैं